नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह है। कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में फॉन्ट्स एंड फॉन्ट साइज के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कंप्यूटर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई काम करना है या टाइप करना है तो आप एक फॉन्ट एक होता है आपको आपको क्या दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हम जब भी कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम एक फॉन्ट चूज करते हैं। फॉन्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे आपको जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर में लाइक ऐसे नहीं किसी वर्ड में ही आपको एक्सेल में पावर पॉइंट में या वर्ड में जब भी आपको टाइप करना होता है आपको कोई भी वर्ड तब फिर आप एक कोई ना कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर ज्ञान लिखता हूँ मैं या कुछ भी लिखता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ कंप्यूटर ज्ञान लिखता हूँ COMPUTER कंप्यूटर ज्ञान लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये एक फॉन्ट है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या होता है, जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो पहले से एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ले लेता है जो कि वहाँ पर होता है, लेकिन आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अभी ये इसका फॉन्ट क्या है, यहाँ पर लिखा होता है फॉन्ट नेम में। जब आप ऊपर चेक करेंगे तो इसका भी फॉन्ट लिखा है एरियल। तो यदि हमको इसको चेंज करना है तो इसको हम किसी भी फॉन्ट में, ये फॉन्ट की लिस्ट होती है, इसमें ये सारे बाय नेम होते हैं, मींस फॉन्ट मींस यदि आपको कोई भी आपने जो भी लिखा हुआ है उसको आपको छोटा करना है, मोटा करना लिखना है, पतला लिखना है, तिरछा लिखना है या कैसे थोड़ा स्टाइल करना है, तो फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। आप जिस फॉन्ट को मतलब सेट करते हो आज सभी फॉन्ट के नेम होते हैं, तो आपको जिस स्टाइल में लिखना है लाइक पतला लिखना है मोटा लिखना है तो आपको वहाँ पर जाके उस फॉन्ट को चूज करना पड़ेगा और फिर उसको आप यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने भी देख रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सारे फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और आपको जो इसमें से ऐसे मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, और आपको इसमें से कोई चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर जाइए, आप इसको फॉन्ट को जो आपको चाहिए इसमें से आप यहाँ पर इसको जाके इस पर क्लिक कर दीजिए, ये इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा जो भी आपको चाहिए, जैसा चाहिए ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो या आप मान लीजिए कोई भी नाम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा अनिल लिखा, ठीक है, तो ये भी एक फॉन्ट है अनिल लिखा, इसका फॉन्ट चेंज करना है हम यहाँ जाके ये कर दिए, या कोई और करना है मैं इसको फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ये ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल होती है, तो जैसे मान लीजिए अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, देखिए मैंने इसे चार कर दिया, मान लो मुझे इसका चेंज करना है तो यहाँ पे इसका जैसे हो गया, इसको चेंज करना है इसको सेलेक्ट करेंगे और किसी भी स्टाइल में ये देखिए मैंने मतलब ये फॉन्ट है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं ये। तो इस तरह आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट चेंज करने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी मतलब आपको वर्ड टाइप करना है उसको टाइप करिए और सिलेक्ट करिए और वहाँ पर जाइए, ये फॉन्ट ऊपर होता है टॉप में यहाँ पे, यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉन्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश वर्ड है और इसी के साथ में क्या होता है कि कई तरह से फॉन्ट होते हैं, जैसे कि एक तो इंग्लिश हो गया, एक मान लो आपको हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी का फॉन्ट अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, उर्दू का अलग होता है, पंजाबी का अलग होता है, तो अलग अलग जितने भी लैंग्वेज होती हैं सबके अलग अलग फॉन्ट होते हैं। तभी आप देख रहे हैं इंग्लिश का और ऐसे ही हिंदी का होता है, अगर आपको किसी को हिंदी में टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको कोई भी मान लो हिंदी में लिखना है तो हिंदी के फॉन्ट होते हैं उनका नाम होता है, जैसे हिंदी का एक फॉन्ट है कृति करके है, तो इसको मैं यहाँ पे मुझे क्योंकि इसका नाम याद है तो मैं इसको यहीं पर टाइप कर दूँगा KRUTI, तो कृति कर दिया, अभी मैंने कर दिया। तो अगर आप मैंने यहाँ पर फॉन्ट इसका नाम डाल दिया, अब इसको जैसे कि मान लीजिए हम इसको मान लीजिए इसी को यहाँ पर चेंज करेंगे उसी फॉन्ट में, तो ये देखिए ये सारा क्या हो जाएगा हिंदी में हो जाएगा। मैं इसमें सारा कर देता हूँ एक साथ आपको दिखा देता हूँ, ये अभी 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 क्या हो गया, ये सारा हिंदी में चेंज हो गया, मीन्स जो पहले इंग्लिश में था हमने इसका भी फॉन्ट चेंज कर दिया तो वो हिंदी में, क्योंकि हमने हिंदी का फॉन्ट चेंज किया है। अब इसको हम फिर से उसी वापस इंग्लिश में करना है तो क्या करेंगे, सारा सेलेक्ट करेंगे और वहाँ जाएंगे और फिर से हम किसी एक फॉन्ट को इसको कर देंगे, ये देखिए तो इस तरह चेंज हो गया, हम फिर से सारा अंडू कर देते हैं जैसे हमारा था पहले, ठीक है, तो ये हो गया। तो
तो मान लो मुझे आपको हिंदी में कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी में लिखना है अनिल, ठीक है? तो हम इसके लिए हिंदी में यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट हमारा कोई भी, आप हिंदी हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे आप फॉन्ट देख रहे हैं, ऐसे ही हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, वो इंटरनेट से मिल जाते हैं आपको, इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर मतलब करना पड़ता है, तो वहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के आर, ये हिंदी का फॉन्ट है, यहाँ हमने ले लिया। अब यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ अनिल, अनिल लिख दिया, ठीक है? अब इसको आपको बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए देखने के लिए, अनिल हो गया। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल भी, ये बोल्ड हो गया, ऐसे ही आपको। तो इस तरह दोस्तों हम फॉन्ट का यूज़ करते हैं, और फॉन्ट का यूज जैसा कि आपको मतलब मैंने भी बताया कि फॉन्ट का यूज हर एक सॉफ्टवेयर में होगा। आप मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए आप पेंट में हैं, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, जिस किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप फॉन्ट को यूज करते हैं। और फॉन्ट में कई सारी लिस्ट होती है, और आपको जो फॉन्ट आपको पसंद है, लाइक पतला है, मोटा है, तिरछा है, स्टाइलिश है, जो भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी लिस्ट है, तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें फिर उसको यूज करिए। ये फॉन्ट होते हैं। अब इसके बाद होता है साइज, फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट का नेम है, और इसके जस्ट जस्ट राइट साइड में ये फॉन्ट का साइज होता है। आपको जैसे मान लीजिए इसको आपको ये सारे मान लीजिए इन फॉन्ट को छोटा करना है, मान लीजिए मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी ये 90 है, इसको आप जितना लो नंबर पे क्लिक करेंगे उतना छोटा हो जाएगा। और आपको इसको मान लीजिए बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप बड़ा कर लेंगे, जैसे वैसे मान लीजिए ये जो सबसे ऊपर वाला लिखा है इसी को देखते हैं, ये इतना बड़ा है, इसको आपको छोटा करना है, ये छोटा हो गया, बड़ा करना है, फिर से बड़ा हो गया, सभी को छोटा करना है, एक साथ करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे ये सारे छोटे हो गए। ये क्या है, ये फॉन्ट साइज, जहाँ से हम फॉन्ट की साइज को छोटा बड़ा करते हैं, बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा। और आपको यहाँ पे अगर यहाँ से नहीं करना है, तो इसके जस्ट साइड में ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है, ये इससे जितना आप चाहेंगे बड़ा हो जाएगा, और जो इसके साइड में है राइट साइड में दूसरा वाला, इससे इसका फॉन्ट छोटा होगा, इससे छोटा होगा, और इससे बड़ा होगा। तो ये सर आप यूज़ करना है और इसको चेक करना है। तो अब मेन है कि आप जो भी देख रहे हैं इसको आप प्रैक्टिकल करिए, सीखिए। तो दोस्तों आई होप आपको फॉन्ट और फॉन्ट साइज के बारे में पता चल गया होगा, और आप इसको यूज करिए। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।